गैसडी विधायक शीलेश कुमार सिंह शैलू ने क्षेत्र की जनता को दिया इंटरसिटी के ठहराव की सौगात। बताते चले कि गैसडी क्षेत्र की जनता को रेलवे सुविधा अधिक न मिलने के कारण व्यापार तथा अन्य कार्यों में जनता को खासी दिक्कत उठानी पड़ती थी। इसी विधानसभा क्षेत्र के पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर वर्षों से गोरखपुर से लखनऊ को जाने वाली सुपरफास्ट इंटरसिटी के ठहराव की मांग चल रही थी, जिसके लिए तमाम प्रकार के आंदोलन भी जनता करती रही। जनता की जरूरत को समझते हुए क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से कई महीनों तक मुलाकात कर इंटरसिटी के ठहराव की मांग करते रहे। इंटरसिटी की सौगात मिली है पचपेड़वा को, जिसका आंदोलन काफी दिनों से चल रहा था। विपक्षी दल जो आपके हैं वो भी पहले से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आपके द्वारा पता चला कि आपने किसी तरह से इनके इन प्रकार से केंद्र सरकार से ठहराव करवा दिया, तो इससे जनता में खुशी की लहर है। तो आपने कैसे सब किया, विधायक होते हुए सांसद का काम कर डाला आपने कैसे? ये विपक्षियों का मतलब नहीं है इसमें। सर अभी हमारी जब से बड़ी लाइन हुई कई ट्रेनें चली, इंटरसिटी का था कि पचपेड़वा वालों को जैसे लखनऊ जाना हुआ, जनपद में आना हुआ, मंडल स्तर पर कहीं जाने के लिए, तो पचपेड़वा में गाड़ी रुकती नहीं थी, इसका था। और दो ट्रेनों के लिए हमने दिया था, लगभग 4-5 महीना पहले मंत्री से बात हुई थी। एक बार मिले हम लोग, दो बार मिले, मंत्री ने कर दिया, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से ये इतना विलम्ब था, वरना तुरंत हो गया होता। ये कोई मुद्दा नहीं था, ये ज़रूरत थी लोगों की, और ज़रूरत पे हम लोगों ने प्रयास किया। अभी पिछले 3 तारीख को हम लोग फिर मुलाकात करके आए, हमने रखा एक दो जो उसमें अधिकारी कुछ बता रहे थे, उनसे हम लोगों की थोड़ी नौकरियों की हो गई। उन्होंने कहा तुम लोग चाहते नहीं हो कि सरकार कोई अच्छा काम करे, आज आप इनके PSO कल दूसरे के हो जाओगे, आपको कोई मतलब है नहीं। सरकार के लिए जो ज़रूरत है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन लोग जनप्रतिनिधि हैं, इनको आवश्यकता थी जनता की, जनता ने इसलिए हमको चुना। हम तो बेहतर सुविधा देना चाहते हैं किसी ट्रेन के नहीं, ये कोई नेतागिरी का मुद्दा नहीं है। हर क्षेत्र में हम चाहते हैं जनता को समस्त योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का, प्रदेश सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिले, और इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया था। और 4 बार मिलने के बाद मंत्री ने कहा कि जाओ, जब तुम पहुँचोगे अगली बार क्षेत्र में तो तुम्हारे यहाँ ट्रेन रुकी मिलेगी, तो मंत्री ने आश्वासन दिया था। उस दिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने कहा यार जाओ, तुम्हारी तो बात हो गई, कायदे से अब कोई तरह नई बात नहीं है, तुम्हारा मंत्री ने कह दिया काम हो जाएगा। तो इसी बात पर हुआ और हम लोग आए, तो पता लगा 28 तारीख को आप रुकी डाउन रुकेगी और 29 तारीख को जो है आप रुकेगी, उसके बाद से निरंतर ये प्रक्रिया।